अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे प्यार से ऊपर बनाई हुई एक्ने से रिलेटेड वीडियो को इतना प्यार दिया। अगर आप में से किसी को एक्ने प्रॉब्लम है तो वो वीडियो जरूर देखें, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम बनाएंगे ऑर्गेनिक बिल्कुल नेचुरल DIY मास्क, क्योंकि विंटर यानी सर्दियों में हम सबकी स्किन बहुत ही डल या और ड्राई हो जाती है। तो ये मास्क आप जरूर ट्राई करें, इससे आपकी स्किन बहुत ही इंस्टेंट ग्लो हो जाएगी। इस मास्क का मेन इंग्रेडिएंट ऑरेंजेस हैं, जो कि सर्दियों में आते हैं, और ऑरेंजेस हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑरेंज पील पाउडर, जो कि आप घर में भी बना सकते हैं। आपने बस इतना करना है कि ऑरेंजेस के छिलकों को ट्रे में रखकर उसे धूप में रख देना है और ड्राई होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लें। इस तरह आप घर बैठे ही ऑरेंज पील पाउडर बना सकते हैं। और आप चाहें तो ऑरेंज पील पाउडर को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मैंने ऑरेंज पील पाउडर ऑनलाइन परचेज किया था। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही जबरदस्त है, जैसे कि रियल ऑरेंजेस हैं। मास्क बनाने के लिए हम एक बॉल लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर यानी बेसन। बेसन हमारे सर्दियों में होने वाली ड्राई स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है और इसके अल्कलाइजिंग प्रॉपर्टीज हमारे स्किन के pH को मेंटेन रखते हैं। और बेस्ट ये कि इससे हमारी स्किन फेयर होती है। अब हम इसमें डालेंगे योगर्ट यानी दही 1 टेबलस्पून। योगर्ट से हमारे स्किन का मॉइस्चराइजर लॉक होता है। योगर्ट में बहुत से बी विटामिन होते हैं, जो कि हमारे ड्राई स्किन को हील करते हैं, और इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड से हमारे डेड स्किन सेल क्लीन हो जाते हैं और इससे हमारी स्किन इवन टोन हो जाती है। 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर, जो कि विटामिन सी से एनरिच होता है, इससे हमारे स्किन सेल रिजेनरेट और ब्राइटन अप हो जाते हैं और इससे आपकी स्किन काफी ग्लो करने लगेगी। लास्ट इंग्रेडिएंट हनी यानी शहद 1/2 टेबलस्पून डालेंगे और हनी से हमारी स्किन फ्रेश, क्लीन और बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये पेस्ट थिक लग रहा है तो आप इसमें दही और ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसके पहले ही इस्तेमाल से आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो नजर आएगा, मगर आप इसे 1 वीक तक रेगुलरली इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 1 वीक ग्लोइंग चैलेंज है और स्पेशली टीनएजर्स भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप इसे अपने मुंह, हाथ, पांव और गर्दन पर भी लगा सकते हैं। इसकी थिक लेयर अपने फेस पर लगाएं और इसे 15 से 20 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें। ड्राई होने के बाद आप इसे जेंटली रब कर लें, इससे आपकी स्किन की स्क्रबिंग भी हो जाएगी, और फिर इसे वॉश कर लें नॉर्मल वाटर से। मेरे हाथ पर देखें, आपको बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो नजर आ रहा है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक यूज करने पर आपको अपने फेस पर वाज़े फर्क नजर आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।